तो हेलो एवरीवन, मैं आज आपको YT स्टूडियो की फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको बताऊँगा कि वीडियो के ऊपर जो फोटो लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थंबनेल बोलते हैं। और जो YT स्टूडियो है वो हर एक न्यू यूट्यूबर को रखना चाहिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों के पास जा रही है, कहाँ जा रही है, चैनल पेज के होम पेज पे जा रही है या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू जा रही है, कैसे जा रही है। तो आज हम जानेंगे फुल इन्फॉर्मेशन YT स्टूडियो की। अगर आपको पता नहीं है YT स्टूडियो क्या है तो मैं आपको आगे वीडियो में एंड तक बने रहेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपनी YT स्टूडियो में। तो आप देख सकते हैं एनालिटिक्स जो लास्ट डेट 28 डेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 28 दिन का जो भी जो ऐड हुआ है वो 28 दिन का बताता है। तो मेरे 28 दिन में 23 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, व्यूज़ 2.8 के मतलब 3800 व्यूज़ हैं और 53 हावर्स टाइम का गेन हुआ है। तो आगे मैं ले चलता हूँ आपको पूरे एनालिटिक्स में, सॉरी ओवरव्यूज़। जो मेरे 48 घंटे में जो व्यूज़ गेन हुए हैं वो है 542, और जो टॉप वीडियो हैं मतलब 48 आवर में टॉप वीडियो कौन सी है तो मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो मेरी वीडियो है ज़्यादा रैंक हो रही है रोज़ इंजूर के, तो ये रियल टाइम टॉप वीडियो है, मतलब 48 घंटे में गेन हुई। और व्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर व्यूज़ 28 दिन में कितने व्यूज़ हुए हैं वो है, वास्ट टाइम 4000 घंटे पूरे नहीं हुए मेरे 28 दिन में, 53 हैं अभी। और टॉप वीडियो 28 डेज मतलब रोहित सिंधु की लाइफ स्टाइल, ये टॉप वीडियो है मेरी जो ज़्यादा देखी गई है 28 दिन में। इम्प्रेशन यानी कि 16,227 इम्प्रेशन यानी कि लोगों को बताई गई है। जैसे आप वीडियो यूट्यूब खोलते हो तो वीडियो बहुत सारे आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, आप सर्च नहीं करते हो, तो ये इम्प्रेशन हुआ, तो इम्प्रेशन आ जाता है और लोग क्लिक करते हैं, यानी क्लिक किसने किया किसने नहीं किया, मतलब 100% में से 20% लोगों ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया। और ट्रैफिक सोर्स है मतलब आपके वीडियो देखने वाले व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब सर्च से 90% आ रहा है ब्राउज फीचर, मतलब आप यूट्यूब ओपन करते हो और ब्राउज फीचर आता है वो सजेस्टेड वीडियो, मतलब कि जैसे कोई रोहित की वीडियो देख रहा है और उसके नीचे मैं रोहित जिंदूर की वीडियो आ गई तो वो सजेस्टेड वीडियो होगी। चैनल पेज मतलब अगर कोई वीडियो देखता है और उसके बाद चैनल में पेज के नीचे आपकी वीडियो आ जाती है वो होती है। और अदर मतलब जैसे व्हाट्सअप से देखी गई है, कुछ और जगह से देखी गई है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। मेरी वीडियो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से ज़्यादा देखी गई है और सर्च में मतलब ज़्यादा वीडियो कौन सी रैंक कर रही है 28 दिन के अंदर सर्च में, तो दो वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा रैंक कर रही है। तो प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, मेरे प्लेलिस्ट में कोई वीडियो नहीं। इंगेजमेंट यानी कि व्यू ड्यूरेशन लास्ट डे 28 दिनों में लास्ट डेज तो 51 सेकंड तक लोग देखते हैं, और प्रीव्यू पीरियड मतलब आने वाले में 52 सेकंड हो गया है। और ऑडियंस की तरफ ले चलते हैं तो जेंडर यानी कि मेल लोग की तरफ से ज़्यादा और महिला की तरफ से मेरी वीडियो 5% दिखी जा रही। एज की बात करें तो 13 से लगा 17 तक 41% और 18 एज से 24 एज तक 58% देखी गई। और टॉप कैटेगरी सॉरी टॉप जियोग्राफीज यानी कि मेरी वीडियो इंडिया बेंगलोर ऑस्ट्रेलिया में नहीं ज़्यादा देखी गई रही, मेरी वीडियो इंडिया में 91% देखी गई है। और वास्ट टाइम फॉर सब्सक्राइबर तो जो वीडियो देखने वाले हैं 2.7% लोग ही सब्सक्राइब मेरी चैनल को कर रहे हैं और 97% लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।